हमारे सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन हिंदी चैनल को और साथ में घंटे के बटन को दबाना ना भूलें। मारुति सुजुकी की छोटी एसयूवी एस्प्रेसो का इंतजार हुआ खत्म, जाने लॉन्चिंग डेट। दोस्तों, मारुति सुजुकी की छोटी एसयूवी एस्प्रेसो का इंतजार जल्दी खत्म होने वाला। रिपोर्ट में दावा किया है कि मारुति एस्प्रेसो सितंबर में लॉन्च की जाएगी। ये छोटी एसयूवी कंपनी की अरीना डीलरशिप से बेची जाएगी। बता दें कि मारुति एस्प्रेसो को ग्रेटर नोएडा के हुए ऑटो एक्सपो में पेश किया गया था। दोस्तों, एक्सप्रेसो भारतीय बाजार में मारुति की सबसे छोटी एसयूवी होगी। ये कंपनी की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी विक्ट्रा ब्रेजा से नीचे के सेगमेंट में आएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मारुति एक्सप्रेसो को मारुति एग्नेक्स पर मिली क्रॉसओवर डिजाइन के अलावा एक्सप्रेसो का लुक पूरी तरह से एसयूवी जैसा होगा। ये नई कार रेनो क्विड और महिंद्रा एक्सयूवी 100 और एनएक्सटी जैसी कारों को टक्कर देगी। दोस्तों, मारुति के नए मॉडल की तरह एक्सप्रेसो भी कंपनी के हाईटेक प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। इसमें आपको BS6 वाला 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो आपको वैगनर और शिफ्ट और एग्निस और बलेनो में था। हालांकि कुछ रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस छोटी एसयूवी में आपको 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा। उम्मीद है कि लॉन्चिंग के साथ ये कुछ समय बाद कंपनी इसका CNG मॉडल भी पेश कर देगी। दोस्तों, मारुति की इस माइक्रो एसयूवी में आपको डार्क ग्रे इंटीरियर के साथ सिलेरियो जैसा कैबिन रूप मिलने को संभावना है और डैशबोर्ड डिजाइन काफी हद तक कॉन्सेप्ट कार से प्रेरित होगा। इसमें आपको राउंड शेप डिजिटल सेटअप, कंसोल के अंदर डिजिटल स्पीडोमीटर और टच स्क्रीन इन्फोटेक सिस्टम समेत कई अपडेट्स फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों, भारत में मारुति एस्प्रेसो की कीमत 50 लाख रुपीस होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये छोटी मिनी एसयूवी भारत में सितंबर तक लॉन्च कर दी जाएगी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए दोस्तों, और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप इस मिनी एसयूवी को लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। और वीडियो को दोस्तों बिना लाइक करे तो बिल्कुल मत जाइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।